हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन, मैं अंकुर गोस्वामी। बच्चों आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पर्सपेक्टिव में कि उनको अच्छा रिटर्न मिल पाए, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उन्हें मार्केट की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते। तो इस केस में दोस्तों हमारे पास आता है रोल में म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली है क्या? म्यूचुअल फंड्स है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम कहते हैं AMC। AMC क्या करती है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिन्होंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, उस 10,000 रुपये को 5 या 6 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे रियल एस्टेट हो गया, इक्विटी हो गया, या फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करेगी। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, तो कहीं प्रॉफिट भी होगा, राइट? तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो एवरेज आउट होके आपको एट द एंड प्रॉफिट ही मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आपने पैसे डाल दिए और वो आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देंगे अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। वहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा आइडिया होता है मार्केट कैसे स्टेबलाइज करता है, मार्केट कैसे काम करता है। तो गाइस, ये जो फंड मैनेजर होंगे ये आपके फंड को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में बाइफोरकेट करते हैं, नॉट एग्जैक्टली इक्वली नहीं करते, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, वो डिपेंड करता है रिटर्न के ऊपर। तो इसका जो रिटर्न होता है गाइस, वो काफ़ी हाई होता है। इसीलिए आजकल के ट्रेंड्स में लोग बैंक्स में FD कराने से बेहतर समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। तो मैं कुछ नाम बताता हूं कुछ ऐसे फंड का जो काफी इस वक्त डिमांडिंग है, और जो रिटर्न है उनका वो 40% से भी ज्यादा रिटर्न आता है, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा निपन इंडिया ग्रोथ फंड। इसका जो रिटर्न आता है वो आता है करीब 50% के ऊपर। ये जो रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, ये रिटर्न रैंडमली मेजर नहीं किया गया, इस रिटर्न की काफी हिस्ट्री है, परफॉर्मेंस को एनालाइज किया गया, उसके बाद इन्होंने ये रिटर्न निकाला है कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकता है आपके इन्वेस्टमेंट को। उसी तरह महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड, टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड, सुंदरराम मिड कैप फंड। तो ये कुछ ऐसे फंड हैं जो काफी डिमांडिंग है इस वक्त। और मैं ये जो फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड्स का लमसम इन्वेस्टमेंट है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक होता है लमसम जहां पे आप बल्क अमाउंट में अपना पैसा देते हैं, और दूसरा होता है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो गाइस, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो SIP की ही बनाऊंगा, उसमें मैं क्लियर बताऊंगा SIP क्या है, कैसे काम करता है, और उसमें कौन कौन से फंड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और ग्रोइंग है। थैंक यू सो मच दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।